अपना इंप्रेशन माचो तेरा है। हेलो गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज, और आज हम लेके आए हैं टॉप 5 डबल मीनिंग्स वाली मूवी जो हमने बॉलीवुड और हॉलीवुड से निकाल के लाए हैं। वो खुद अपनी झलक से कहेंगे भाग। डीके बोस, डीके बोस, डीके बोस। ये सभी मूवी ऐसी है जो आपको हंसा हंसा के पागल कर देगी, और ये सभी मूवी में डबल मीनिंग डायलॉग के साथ साथ आपको भर भर के हॉट सीन देखने को मिलेंगे, साथ साथ कॉमेडी ड्रामा भी बहुत सारा मिलेगा। आपने ठीक से हिलाया? हाँ ममता, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह हिलाया। वैसे भी जब से पप्पू पैदा हुआ मैं हिलाने में एक्सपर्ट हूँ। और ये सभी मूवी यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। साथ ही साथ मैं इन सभी मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 5 डबल मीनिंग्स वाली मूवी की। टॉप 5 के नंबर 1 पे है ग्रैंड मस्ती। ये मूवी 2013 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में आपको भर भर के कॉमेडी के साथ साथ रोमांटिक सीन और डबल मीनिंग के डायलॉग सुनने को मिलेंगे। ये पूरी मूवी डबल मीनिंग तो है ही, साथ ही साथ आपको ऐसे डायलॉग मिलेंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। इस मूवी की कास्टिंग है विवेक ओबेरॉय, रितेश देशमुख, आफ्ताब शिवदासानी और साथ ही साथ कृष्णा भी इसमें देखने को मिलेगा। और इस मूवी की हीरोइन है सोनाली कुलकर्णी, करिश्मा तन्ना, मंजरी फडनीस और कई सारे और कलाकार भी इसमें हैं, जो आपको पूरी मूवी में इतना एंटरटेनमेंट करेंगे कि आप हंस हंस के बेहाल हो जाओगे। तो आप चाहिए ये मूवी एक बार जरूर देखिए। इस मूवी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ से आप सीधा देख सकते हो। उसके बाद नंबर 2 पे है अमेरिकन पाई। वैसे अमेरिकन पाई एक पूरी सीरीज बन गई है, एकदम हॉट सीन, दमदार कॉमेडी और डबल मीनिंग्स डायलॉग के साथ आपको ये सीरीज अब तक की धमाकेदार हिट्स रही है। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो प्लीज जाइए और एक बार जरूर देखिए, क्योंकि इसमें भर भर के हॉट सीन और दमदार कॉमेडी भरी हुई है। अमेरिकन पाई की पहली मूवी 1999 में रिलीज हुई थी। उसके बाद अब तक इस मूवी के कुल 7 पार्ट्स आ चुके हैं, और सभी पार्ट्स सुपर डुपर हिट रहे हैं। और ये सभी मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो भी हिंदी में। मैं इन सभी मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो। इसके बाद नंबर 3 पे है क्या सुपर कूल है हम। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी भी इनसे कुछ कम नहीं है। ये पूरी मूवी कॉमेडी ड्रामा और रोमांस के साथ साथ बोल्ड सीन और पूरी मूवी डबल मीनिंग के साथ आपको देखने को मिलेगी। इस मूवी के मुख्य हीरो है तुषार कपूर और रितेश देशमुख, और इस मूवी की हीरोइन मंदना करीम, गिजेले ठकराल, इसके साथ साथ करिश्मा भी इस मूवी में आपको देखने को मिलेगा। और ये मूवी भी आपको काफी पसंद आएगी, क्योंकि इसके डायलॉग एक से बढ़कर एक डायलॉग इसमें है, और पूरी मूवी आपको डबल मीनिंग के साथ एंटरटेनमेंट करेगी। तो आप चाहिए और ये मूवी जरूर देखिए। उसके बाद नंबर 4 पे है स्कैरी मूवी। स्कैरी मूवी के अब तक 6 पार्ट्स आ चुके हैं, और सभी पार्ट्स सुपर डुपर हिट्स रहे हैं। इस सभी मूवी आपको हॉरर के साथ साथ कॉमेडी ड्रामा और एक्शन भी देखने को मिलेगा, और इसमें डबल मीनिंग्स वाले वर्ड्स तो आपको सुनने को मिलेंगे ही, क्योंकि मूवी ही ऐसी बनाई है। और चाहिए और आप ये सभी पार्ट्स जरूर देखिए, और लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्कैरी मूवी के पहला पार्ट 2001 में रिलीज हुआ था, और रिलीज होते ही वो सुपर डुपर हिट रहा था। इसके बाद इसके कुल 6 पार्ट आ चुके हैं और सभी हिट्स रहे हैं। इसके बाद नंबर 5 पे है द ग्रैंड मस्ती। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। ये मूवी भी शुरू से लेके अंत तक पूरी मूवी आपको एंटरटेनमेंट करेगी, और इस मूवी में आपको कॉमेडी ड्रामा के साथ साथ डबल मीनिंग्स डायलॉग और रोमांटिक और हॉट सीन देखने को मिलेंगे। और इस मूवी के मुख्य कलाकार विवेक ओबेरॉय, आफ्ताब शिवदासानी, श्रेयस तलपड़े और संजय मिश्रा भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस मूवी की हीरोइन उर्वशी रोतेला, पूंजा बोस, श्रद्धा दास, कंगना शर्मा और मिष्टी भी आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी ने इस मूवी में बहुत अच्छा काम किया है और जबरदस्त एंटरटेनमेंट किया है। ये मूवी भी जबरदस्त हिट रही थी, और साथ ही साथ इसके गाने भी बहुत हिट रहे थे। तो ये थी हमारी टॉप 5 डबल मीनिंग्स वाली मूवी। तो आप बताइए कि आपने इनमें से कौन सी मूवी देखी है, और आप कौन सी मूवी देखना चाहते हैं, और आपको कौन सी मूवी पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम फिर एक नई वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।